का दिन, खुशी का दिन, हल्ला मचाएगा रोड पे फुल पावर। उस दिन मैंने बुलाने आया था, आप बिजी थे। हम लोगों ने हायाबुसा का नाम रखा है लोकी। कैनिस का जो मफलर है ना, इससे पूरा धुआं निकल रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ अपनी थार बेच करके ना इसुजु ले लूं। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो। एंड ना मेरी चोटाई ना जेटू के चोटाई। So, hey guys, good morning, welcome back to the new episode. आज बाबू भैया ये वाले episode की शुरुआत कर रहे हैं नहा करके guys, और मैं आपको बता देता हूँ अभी बज रहे हैं दिन के 12 and we are just about to leave. आज आपको पता है हमारी सुपर बाइक में लगने वाला एग्जॉस्ट, मैंने अपनी सुपर बाइक ना रात को आकर कहीं पर पार्क कर दी थी। फिलहाल हम लोग ना थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, बट गाइज आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडे। फाइनली वो दिन आ गया जब मैं बोल रहा हूँ कि हम अपनी सुपर बाइक में एग्जॉस्ट लगाने वाले हैं। चेक दिस आउट गाइज, कल जब ये गिरी थी ना तो उस पर ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं आया, बस इसके शीशे में डैमेज आया था और हम लोगों ने बाहर खड़ी करी थी ना तो थोड़ी गंदी गुंदी भी हो गई है। एक्चुअली इसका एग्जॉस्ट ना पीछे बहुत बाहर निकला हुआ है, तो इस एग्जॉस्ट ने ना पूरा इंपैक्ट बचा लिया एंड ना मेरी चोटाई ना जेटू के चोटाई, तो हम लोग बच गए। अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह कि हम लोग इसको बाहर कैसे निकालेंगे। मुझे शोरूम थोड़ा जल्दी पहुंचना है, फटाफट बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं शोरूम के लिए। तो गाइस वी आर लीविंग फ्रॉम हियर एंड अभी ना बारिश भी हो चुकी है और ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है भूसा को मोड़ने की। ये गली थोड़ी सी पतली है तो आई रियली डोंट नो इससे बैक कैसे होगी। मैंने ना भूसा को सुबह ही कोल्ड स्टार्ट कर लिया था, अभी फिलहाल मैं आगे लेकर तो जा रहा हूँ, बट भूसा ना बहुत ज़्यादा चौड़ी यार, तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है इसको मोड़ने का। ये यार भाई थोड़ी सी हेल्प कर दोगे, इसको ना थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना है, मुड़ेगी नहीं तो यार ये मोड़ू। हो गया दैट्स इट। लगी तो नहीं, थैंक यू भाई। तो यार भूसा मोड़ ही दी हम लोगों ने, बहुत मुश्किल से मोड़ना भाई। और अब दिल्ली में ना बारिश होना भी शुरू हो चुकी है, बट हम लोगों को निकलना नहीं हो। कोई नहीं निकलेंगे, लेट्स गो भाई। आप हते से मोड़ना भाई, दिल्ली की बारिश ऐसे भी ज़्यादा देर तक नहीं होती ना। पता है इसमें एक फीचर है डाउन हिल असिस्ट, तो आगे से ना पीछे नहीं आती जेटू, लॉक लग जाती है, समझ रही हो। पहाड़ पे क्या होता है, मैंने स्टीप पे चलाई, वो पीछे ना वो धक्का मार रहा है भयंकर, जब तक बाइक ऑफ नहीं करी तब तक वो पीछे ना आए। गाइस वी आर रेडी टू गो एंड वी आर लीविंग। बारिश रुक चुकी है, पहले ना बारिश थोड़ी सी तेज़ हो रही थी बट दिल्ली में इतनी ज़्यादा बारिश हो नहीं रही है, उत्तराखंड में तो भी बाढ़ आ रखी होगी इस टाइम पे। यहाँ से शोरूम पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 24 किलोमीटर, बट दिल्ली का ट्रैफिक यू ऑलरेडी नो। बाय बाय बहन, ओके बाय बाय रोहित भाई, मुझे वाला हाथ में लाना रोहित भाई। चलो ध्यान रखो यार, मैं आपको बता रहा था ना कि हिमाद्री और रोहित इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि इनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, हमारा भी हो गया था कल, छोटा सा बच गए हम लोग। चलो ठीक है रोहित भाई, ध्यान रखो, बाय बाय बहन, बाय। तो यार अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड इस गली से बाइक निकालना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज भूसा ना बहुत चौड़ी है। रात को तो अंधेरे अंधेरे में हम लोगों ने घुसा दी एंड यार अभी बच चुके हैं 4, हम लोगों ने बारिश का वेट रुकने का ऑलमोस्ट 2 घंटा करा, बारिश को रुकने में थोड़ा सा टाइम लग गया था तो हम लोग जा नहीं पाए। अभी मेरे को शोरूम से भी कॉल आया कि जल्दी आ जाओ नहीं तो शोरूम बंद कर रहे हैं हम लोग। हायाबुसा ना एक ऐसी गाड़ी है पता है आपको, जो हर एक बंदा जानता है एंड इससे ना रोड अटेंशन और रोड वैल्यू ना बहुत बढ़ चुकी है, सच्ची बता रहा हूँ। एंड अभी तो कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई यार इसमें, जब इसमें मॉडिफिकेशन होंगी तब क्या सीन्स होंगे रोडों पर। अभी तो ये ब्लैक है तो ज़्यादा दिखता भी नहीं, बस आज एग्जॉस्ट लगने के बाद कल से इसका पूरा काम हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच यार, आप लोग इतना तकड़ा ट्रैक्शन दे रहे हो डेली वीडियोस पे, आई नेवर थॉट डेली वीडियोस का भी इतना रैंक करेंगे। लास्ट की 2-3 वीडियोस तो मिलियन टच कर रखी है, जहाँ एक टाइम पे 10,000 व्यूज आया करते थे एक दिन में, वहाँ अब हम लोग मिलियन भी टच करने लगे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू यू बॉय। एंड यार आज दिल्ली में ना बहुत भयंकर बारिश हो रही थी सुबह से, अभी भी आप लोग देख ही सकते हो रोड कितनी गीली हो रखी है। नॉर्मली पता है दिल्ली की सड़कें ना गीली नहीं रहती क्योंकि एक तो इतनी गर्मी रहती है ना कि पूरा रोड सूख जाती है, एंड यहाँ देखो पूरा नाला बना हुआ यार। एंड आज सर्विस भी नहीं है भूसा की, तो ये काम हो जाए तो बड़ी दिक्कत। पता भी क्या है घर जाने की, हम लोगों को आज शाम तक घर निकलना है, बट जैसे आसार लग रहे हैं उस हिसाब से ना घर जाने वाले सीन लग नहीं रहे क्योंकि पता है कांवड़ यात्रा ना और भी मैक्सिमम हो चुकी है एंड मंडे उसका पीक टाइम है। तो कल जब हम लोग आए थे ना ऑलमोस्ट सारी रोड ब्लॉक थी। आज मेरे को प्रणव भाई का फोन आया था, वो बोल रहे थे भाई वापस मत आइयो बिकॉज बहुत भयंकर जाम हो रखा है यहाँ पर। बट आप ये पानी देख रहे हो भयंकर, यू कैन एस्टिमेट कि कितना बारिश हो रहा होगा सुबह से, बट मैंने पहली बार दिल्ली में ना ऐसा मौसम देखा है।
आज तक मैं इतनी बारी दिल्ली आ चुका हूँ, इतना ठंडा और इतना मस्त मौसम। अभी आप जो एग्जॉस्ट के बाद सुन रहे हैं ना, उससे कई गुना लाउड होने वाली है हमारी भूसा। सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सुपर सुजुकी, एंड हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया, एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड बारिश भी हो रही थी, तो वी गॉट अ लिटिल लेट। लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंचे थे सुजुकी की शोरूम, एंड मेरे को लग रहा था मैं लेट हो गया हूँ, बट हम लोग टाइम पे पहुंच के। और चेक दिस आउट बॉयज, ये वो सामान जिसके लिए हम लोग डेली आए। वी हैव गॉट द फुल सिस्टम TBR का एग्जॉस्ट। एक्चुअली आपको पता है एको में जो एग्जॉस्ट लगा है वो शॉर्ट का नहीं लगा है, एंड उसकी आवाज़ ना बहुत अल्टीमेट है, एंड आई वॉन्टेड द सेम कि भूसा में जो एग्जॉस्ट लगा उसकी आवाज़ भी एकदम खतरनाक हो। बिकॉज लॉन्ग कैंस में क्या रहता है कि आवाज़ ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती और पता भी नहीं लगता। अभी भूसा जब चल रही थी ना रोड पर तो किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि बाबू भैया की भूसा आ रही है, बट अब जब इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लग जाएगा तो फुल पावर सीन हो जाएंगे। ये एग्जॉस्ट मेरे को पड़ रहा है ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये का ओवरऑल कॉस्ट के साथ, प्लस आज सुजुकी की सर्विस भी करानी है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू डू टुडे। फिलहाल को एग्जॉस्ट अनबॉक्स करके दिखाते हैं यार। सो बॉयज चेक दिस आउट, इसके अंदर है हमारा फुल सिस्टम TBR का एग्जॉस्ट, एंड दिस इज द फोमिंग फोम्स जो प्रोटेक्ट के लिए ताकि स्क्रैच ना आए। भाई साहब चेक दिस आउट, ये बहुत भारी है, बट ओरिजिनल जो एग्जॉस्ट लगे उनसे तो हल्का ही है। एंड ये इसके हेडर्स हैं, बेसिकली अभी मेरे जो हेडर्स लगे ना नई वाली हायाबूसा में उनके अंदर कैटलिक कन्वर्टर्स हैं, एंड ये वाले जो हेडर्स हैं ये ना पूरे फ्री फ्लो में आएंगे। अभी आप देख रहे हो इस वाले एग्जॉस्ट में भी कैटलिक कन्वर्टर लगा है, एंड इस वाले एग्जॉस्ट में भी कैटलिक कन्वर्टर लगा है, बट जो अब एग्जॉस्ट हम लोग लगा रहे हैं उस वाले में फ्री फ्लो हो जाएगा। एंड पहले ट्विन ब्रदर्स एग्जॉस्ट में ना दो एग्जॉस्ट आते थे Gen 2 के लिए, बट Gen 3 के लिए उन्होंने एक ही फुल सिस्टम कर दिया। सो बस अभी गाड़ी वॉश हो रही है, 5-10 मिनट में सर्विस का काम भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद एग्जॉस्ट का काम शुरू। सो गाइस, फाइनली मेरी भूसा का काम होना शुरू हो चुका है, एंड चेक दिस आउट बॉयज, इसके दोनों एग्जॉस्ट निकल चुके हैं। ये इसका ओरिजिनल हेडर है, एंड मैं आपको बता देता हूँ जो इसके ओरिजिनल हेडर्स आते हैं ना वो 4x2x2 आते हैं, 4 इंच के हेडर्स, एंड उसके बाद फिर कैटलिक कन्वर्टर, एंड उसके बाद दो एग्जॉस्ट बेंड के पाइप। बट अब जो हम लोग लगा रहे हैं ना वो 4x1 ही है, मतलब ये हेडर्स तो सेम रहेंगे बट ये दो हट जाएंगे, एंड उसके बाद सिंगल एग्जॉस्ट लग जाएगा। सो काम होना शुरू हो चुका है गाइज, जब तक एग्जॉस्ट लग रहे हैं तब तक आप सिनेमैटिक चेक करें। हमारा नया एग्जॉस्ट ट्विन ब्रदर्स का फिट हो चुका है, चेक दिस आउट, ये कितना शॉर्ट और सेक्सी लग रहा है। पुराने वाले जो स्टॉक थे ना वो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रहे थे, बट ये ना शॉर्ट लेंथ पर है, तो फ्यूचर में अगर मैं कभी राइड भी करूंगा ना तो इसके पीछे टेल बैग भी आएगा, तो वो अब एग्जॉस्ट पे टच नहीं होगा। मेरे को सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि पुराने वाले एग्जॉस्ट के साथ मैं सोच रहा था अगर टेल बैग आएगा तो वो पूरा टच हो जाता, एंड नॉर्मली जब हाईवेज में आप इतना लंबा रन कर रहे होते हो तो फिर वो जल जाते हैं, छेद हो जाते हैं, मेरे साथ KTM में ऐसा हो रखा है। बट एग्जॉस्ट शॉर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस अब बाइक फिट ही हो रही है, तो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट और लग रहे हैं, एंड फिर आपको मैं स्टार्ट करके बताता हूँ। तो यार फाइनली बाइक का काम हो चुका है, एंड नाउ अब हम लोग इसे स्टार्ट करने वाले हैं, और मैं आपको साउंड चेक कराऊंगा। आपने पहले वाली एग्जॉस्ट की आवाज भी सुनी होगी, बट अब ये चेक करें बॉयज। So guys, exhaust लग चुका है, एंड मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग ना इस पे एक और अपग्रेडेशन करा रहे हैं, हम लोग इस पे DNA का एयर फिल्टर लगा रहे हैं। ये नया वाला एयर फिल्टर है गाइज, और ये पुराना वाला एयर फिल्टर है जो कि हम लोगों ने चेंज करा लिया। एक्चुअली जब एग्जॉस्ट चेंज होता है ना तो एयर इनटेक ना बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड उसके कारण हम लोगों को एयर फिल्टर चेंज कराना पड़ता है। मेरी कावासाकी में जो पुराना एयर फिल्टर था वो भी मैंने DNA का ही करवाया था। द बेस्ट थिंग इज यू नो ये वॉशेबल एयर फिल्टर है, तो आप आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप इसे वॉश करवा सकते हो। फिलहाल गाइज एयर फिल्टर भी लग चुका है, बस अब बाइक्स की फेयरिंग लगना बाकी है, एंड फुल पावर रेडी फॉर। सो गाइज फाइनली हमारी हायाबूसा हो चुकी है रेडी, और बाबू भैया करने वाले से स्टार्ट, और मैं आपको उसका साउंड चेक कराता हूं। मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा लाउड हो चुके हैं, बट ये चेक करें, और ये आग भी छूट रही गाइस। गाइस ये बहुत ज्यादा लाउड हो चुकी है, एंड ये शॉर्ट कैन ना 10R से भी ज्यादा लाउड है। फिलहाल अभी हम लोग बेसमेंट में ना तो इसलिए ज्यादा इको कर रही है, बट बाहर जा करके चेक करते हैं कि ओवरऑल कैसा साउंड कर रही है, बट ट्रस्ट मी ये इको से भी बहुत लाउड हो चुकी है। फिलहाल अभी बाइक का काम हो चुका है, सर्विस हो चुकी है, तो अभी से निकाल रहे हैं यहाँ से, एंड बाहर निकाल भैया ना स्टार्ट करके बाहर तक। बस यही
चाहिए था मेरे को भाई, अपनी भूसा की आवाज रोड़ों पे हल्का बोल। गाइस चेक दिस आउट, अभी भूसा ना बाहर से आ गया एंड इसका जो मफलर है ना इससे पूरा धुआं निकल रहा है भाई। लेट मी जस्ट टेल यू, ये बहुत लाउड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लाउड। अभी मैं एक्सेलरेट करने वाला हूं और मैं आपको आवाज सुनाने वाला हूं। एट द सेम टाइम गाइस हमारा ना टेंपरेरी नंबर भी लग चुका है। मेरे को ना टाइम नहीं लग रहा था प्रिंट आउट कराने का, तो मैंने शोरूम वाले भैया को ही बोला कि आप लगवा दो, तो वो प्रिंट आउट करके पीछे तो लग चुका है एंड अब ये वाला नंबर आगे भी लग रहा है, लगा दो भाई आगे भी। गाइस फाइनली हमारा टेंपरेरी नंबर लग चुका है। मैंने भी परमानेंट नंबर की फाइल अप्लाई नहीं करी है बिकॉज मैंने ये बाइक जीएसटी पे लिया है। मेरे को उसके लिए ना अपनी लीगल एंटिटी की एक स्टैम्प बनानी पड़ेगी, तो मैं डॉक्यूमेंट देहरादून लेकर जा रहा हूँ, फिर एक स्टैम्प बनाएंगे और उसके बाद फिर स्टैम्प लगा करके वापस यहाँ भेजनी पड़ेगी, फिर उसके बाद परमानेंट नंबर UK07000007। मैं इसे स्टार्ट करने वाला हूँ एंड दिस इज गोना बी माय फर्स्ट टाइम। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट की आवाज, वो भी बाहर में। ये ना गाइस बहुत ज्यादा लाउड हो चुके पहले से, और मैंने अभी तक इसे ना गलत मोड में चला रहा था, तो भैया ने मेरे को मोड्स बताए, भैया ने बताया कि मोड ए पे चलाओ। मैंने इसे U1 में चला रहा था, एक्चुअली U1 में ना ये मैक्सिमम पावर नहीं दे रही थी, बट अभी ए में ना ये मैक्सिमम पावर देगी। सो बस बिल्कुल निपटाते गाइस और निकलते घर के लिए, और मोटो व्लॉग में इसकी साउंड तो फिर क्या ही कहने। गाइस हमें आंटी मिली एक सुंदर सी, दार्जिलिंग चाय का बस्ती मेरे घर, चाय की दुकान है मेरा ये छोटी सी। ओके मैं आपकी चाय की दुकान में आऊंगा, आप चाय पिलाओगे मेरे को? हाँ फ्री में राइट? हाँ फ्री में, फिर दोबारा आना। उस दिन मैंने बुलाने आया था, आप बिजी थे इसलिए मैंने नहीं बुलाया आंटी। उस दिन मेरे को पता नहीं लग पाया, बट यहाँ आए थे ना। बट गाइस कोई भी अगर सुजुकी सुपर सुजुकी आएगा ना, तो आंटी की चाय की दुकान है, आंटी के पास है, मस्त चाय पी करके जाना। रेनुरा टी स्टॉल है मेरा, चाय का दुकान, भूज में भी आते हैं, नाक पे भी आते हैं। सो गाइस फाइनली बाइक का सारा काम हो चुका है, बस अब फाइनल बिल हो रहा है। ऑलमोस्ट टोटल बिल पड़ा मेरे को 160 के अराउंड, विच इज वे टू गुड, बिकॉज जो इसमें एग्जॉस्ट लगा है ना वो ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगा है। थोड़े बहुत खर्चे हो रहे हैं बट कोई बात नहीं, तो करना बनता है हायाबुसा पे। एंड मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने हायाबुसा का नाम ना लोकी सेट करा है, बिकॉज मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बोला था जिसके सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे हम लोग वही सिलेक्ट करेंगे, एंड लास्ट वाले ब्लॉग में ना लोकी के लिए सबसे ज्यादा वोट्स थे, तो हायाबुसा का नाम आज से लोकी। गाइस कमेंट सेक्शन में लोकी और गुलाबी दिल। ओके बाजी बाय बाय, ठीक। मैं अभी तो दो दिन तो ही हूँ बाजी, हाँ कांवड़ चल रहा है तो फुल ब्लॉक सीन है, सब बड़े अंक। लास्ट ईयर का था पाजी वो। आपने इसी अभी अभी ली? हाँ मैंने आपके वो मॉडिफिकेशन वाला ब्लॉग देखा था मैंने आपका, बट मस्त लग रही है। मैं भी सोच रहा हूँ मैं थार बेच करके इसुजू ही ले लूँ, क्योंकि लोड करने का सीन बेस्ट सीन है राइट। चलो ठीक है पाजी, मिलते हैं, अच्छा लगा मिलके। चलो ठीक है पाजी, ओके बाय बाय। तो गाइस वी आर लीविंग फ्रॉम हियर एंड मैं आपको बताता हूँ, जेएस पाजी मिले थे हम लोगों को अभी, उन्होंने नई इसुजू लिया। मैं भी सोच रहा हूँ यार अपनी थार बेच करके ना इसुजू ले लूँ। कॉमेंट सेक्शन में लेट मी नो क्या हमें अपनी थार बेच करके इसुजू लेनी चाहिए, क्योंकि इसुजू में ना बहुत रूम है मॉडिफिकेशन के लिए। ओके भैया बाय बाय। और भाई जस तो हल्ला मचाएगा रोड पे, फुल पावर, वूहू, बल्ले बल्ले गाइस, वी हैव गॉट द फुल पावर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट वाली बाइक, वूहू, इतनी खुशी, खुशी को दिन। अब जाकर के मजा आ रहा है अपनी सुपर बाइक चलाने में यार। और ये ना बहुत लाउड है कसम गाइस, हमारी एको ना इतनी ज्यादा आवाज नहीं करती, बट इसने ना चीखे निकाल रखे हैं, और अभी मैंने ना रेव इतना एक ज्यादा दिया भी नहीं है, बट ये बहुत खतरनाक एग्जॉस्ट लग चुका है इस पे यार। खतरनाक सीन से रखे, खतरनाक। शुक्रिया, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया हूं। हाय आप कैसे हो? J2 फाइनली दिख गई है व्लॉग में से, हॉस्पिटल छुट्टी मिल गई भाई, निकाल दिया ऐसे हॉस्पिटल वालों ने। मैंने कल ही आपका व्लॉग देखा था रात को यार। शुक्रिया भाई, और आपके घर में इतनी भीड़ लग गई। घर में घुसे जा रहे लोग। एक फोटो हो सकती है? अच्छा अच्छा, मस्त हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो यार हम लोग निकल चुके शोरूम से, और अब जो बूसा चलाने में मजा आ रहा है ना,
अब एक्चुअली में लग रहा है कि हाँ कोई सुपर बाइक चला रहा मैं, बट अभी इस पे फ्यूल डलाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका फ्यूल ना ई पे शो कर रहा है। तो लेट्स गो। तो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हिमाद्री की गली में। अच्छा क्या ले? बढ़िया बाबू भैया, फुल पावर। अच्छी लग रही है नई वाली, एक नंबर। शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। नोएडा से करोगे आज? यही हूँ यार मैं आज। भाई साहब क्या भयंकर रिएक्शन आ रहे हैं बाइक के। भाई सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंचे थे रूम में एंड मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया था बिकॉज सुबह हम लोग बहुत ज्यादा रश में थे। तो जेटू लेकर के आया खाना। जेटू क्या क्या लेकर के आई है? बस। और गाइस मैंने से छोले भटूरे लाने के लिए बोला था, मैं सुबह से बहुत ज्यादा भूखा हूँ और ये मेरे लिए खाना नहीं लेके आई। अभी ना गाइस एक बच्चा आया और मैंने रोहित को पहले बोल दिया, मैंने कहा भाई रोहित भाई बोल देना कि वो बाबू भैया घर पे नहीं है। रोहित ने ना उसे अंदर बुला लिया, वो रोने लग गया भाई यहाँ पर। मेरे को ऑकवर्ड हो गया, मैंने कहा भाई फोटो फोटो खिंचानी है, वो फोन भी नहीं लेकर के आया था, बस वो मिलके चला गया। तो अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे आते हैं। फिलहाल गाइस चिली पोटैटो और ये क्या मोमोज है ये सर्व करिए फटाफट। मट्ठा लेकर के आई जेटू? आज भी नहीं लेकर के आई होगी ना? मेरी अच्छी बहन गाइस, मैंने जेटू से बोला था, मैंने पता क्या बोला था? उन्होंने बोला छाछ का पैकेट लेते, उसमें बूंदी डाल के पिलाएंगे। मैंने कहा ये नहीं, वो अमूल वाली पीते। सो हेमलो जी रात के बजे 2 एंड मैं आपको बता देता हूँ ये वाला व्लॉग इतना लेट शूट क्यों हो रहा है बिकॉज मैंने ना अभी प्रणव भाई को फोन करा था। एक्चुअली सीन ये कि मेरे को और जेटू को ना घर जाना था बिकॉज मेरे को ना हायाबुसा की मॉडिफिकेशन काम शुरू कराना था। बट मैं आपको बता देता हूँ व्हाट हैपेंड। कांवड़ की यात्रा शुरू हो चुकी है एंड उसके कारण ना पूरा हाईवे ब्लॉक डेयर घर जाने तक का। तो जेटू मेरा प्लान था कि हम लोग अभी रात को ही घर निकल जाएंगे, बट सीन ये हुआ कि पूरा हाईवे ब्लॉक डेयर एंड हम लोग अभी घर नहीं निकल पाया। एंड कहानी ये गाइस कि अगले 2 दिन तक, ऑलमोस्ट 2 दिन तक ना पूरा घर जाने का रास्ता ब्लॉक होने वाला है। अगर मैं अपनी हायाबुसा लेकर के निकल भी जाऊँ तो व्हाट विल हैपन कि ट्रैफिक इतना है कि हायाबुसा बीच में इतना ज्यादा हीटअप हो जाएगी ना कि वो चल भी नहीं पाएगी। प्लस एक्सीडेंट का खतरा भी है बिकॉज लोग ना बहुत अनटर्न चलाएंगे इस टाइम पीरियड पे। तो मैंने और जेटू ने डिसाइड ये करा कि हम लोग आज भी ना हिमाद्री के घर रुक जाएंगे एंड हियर वी हैव गॉट हिमाद्री। तो कहानी है बॉयस कि कल सुबह हम गोना ट्राई घर जाने की, बट मेरे को ये लगता है कि मेरे को घर अभी नहीं जाना चाहिए बिकॉज रास्ते में कुछ हो गया, बाइक वाइक गिर गई, नई बाइक गिर गई एग्जॉस्ट के साथ, तो मेरा दिल की ठुइयां लग जाएंगी। बाकी गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हम लोगों ने हायाबुसा का नाम रखा है लोकी। कॉमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को नाम कैसे लगता है। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ।